के सुपरस्टार सलमान खान इस वक्त अपने फार्म हाउस में पूरा का पूरा समय गुजार रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ नेचर के साथ एंजॉय कर रहे हैं वो, और अपने कुछ करीबी दोस्त यारों और बॉडीगार्ड और अपने सिस्टर के साथ वो वहाँ समय निकाल रहे हैं। फिल्मों को लेकर फिलहाल उनकी कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आई, लेकिन विवादों से घिरा सलमान खान का रिश्ता हमेशा ही रहा है, और इसी कारण से सलमान फिर से इस वक्त की सबसे ज्यादा विवाद नेपोटिज्म मामले को लेकर फिर फंसे हुए हैं। खबरें थी कि सलमान खान को मुंबई के बांद्रा पुलिस थाने पहुंचना पड़ सकता है, जहां पर अब तक 34 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है SSR के गुजरने के मामले में। लेकिन अब सलमान खान से पूछताछ होगी भी या फिर सिर्फ और सिर्फ ये अफवाहें हैं, इसकी पूरी डिटेल हम आपको देने वाले हैं। दरअसल सलमान खान को लेकर खबर थी कि सलमान खान से SSR के प्रोफेशनल ड्राइवरी के मामले में पूछताछ होगी, लेकिन सलमान की एक्स मैनेजर रश्मि से पहले ही इसे लेकर पूछताछ की जा चुकी है, और अब खबर है कि कोई भी पूछताछ सलमान खान से नहीं होगी। मुंबई पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। पुलिस स्टेशन से सलमान खान को लेकर ये खुलासे हैं कि सलमान खान का कॉन्टैक्ट डायरेक्टली कभी भी SSR के साथ किसी भी फिल्म को लेकर नहीं हुआ। उनके मैनेजर रश्मि शेट्टी ने इस बात की जानकारी के स्टेटमेंट के जरिए दे दी है, और सलमान खान के बुलाने की खबर सिर्फ और सिर्फ अफवाह ही थी। अब किसी भी शख्सियत को बुलाने की खबरों में कोई बॉलीवुड का बड़ा कलाकार नहीं, लेकिन हाँ बॉलीवुड डायरेक्टर करण जौहर अब तक पुलिस थाने नहीं पहुंचे हैं। इसकी वजह से उनसे होने वाली पूछताछ को लेकर अब तक सस्पेंस बरकरार है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।